सिंगरौली के चितरंगी में लोग बिजली पानी और रोड की समस्या से परेशान हो चुके हैं। ग्रामीणों का कहना है कि आजादी के इतने वर्षों बाद भी गांव का विकास नहीं किया गया, नेताओं ने सिर्फ यहां वादे किए और उन्हें पूरा नहीं किया। चितरंगी तहसील अंतर्गत आमा पजरी के निवासी बिजली पानी और रोड की समस्या से आज भी परेशान हो रहे हैं। ग्रामीणों का कहना है कि रोड की समस्या से आने जाने में बड़ी कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है। बरसात के समय में तो पैदल चलना मुश्किल हो ही जाता है, अगर कोई बीमार हो जाए तो मरीज को हॉस्पिटल पहुंचाने में काफी कठिनाइयों का सामना भी करना पड़ता है। ग्रामीणों ने अपनी सरकार आपके द्वार कार्यक्रम से लेकर कलेक्टर ग्राम पंचायत तक लिखित आवेदन दिए, पर आज तक बिजली पानी और रोड की समस्या से निजात नहीं मिल सका। वही पुल का निर्माण भी नहीं किया जा रहा है। सरकार बीजेपी की हो या कांग्रेस की, चुनाव के समय नेता आते हैं, तमाम वादे करते हैं, पर चुनाव जीतने के बाद सारे वादे भुलाए जाते हैं। लेकिन हमारे गांव में सर अभी तक रोड पीसीसी नहीं बनी हुई है और न तो पुलिया का निर्माण हुआ है, न तो बिजली आज तक हम लोगों के यहाँ बिजली एकदम नहीं पहुंच पा रही है। रोड की समस्या हम लोगों की बस्ती में सर अभी तक कुछ भी नहीं। बहुत बड़ी समस्या बहुत बड़ी समस्या है। न तो हरिजन बस्ती पूर्वी टोला में है अपने पास रोड की सुविधा आने जाने की, न तो पश्चिमी। हम लोग बरसात में परेशान हो जाते हैं, किसी तरह से निकलने में बहुत बड़ी परेशानियां होती है सर। इस कारण से इस हमारे समस्याओं को हल करने के लिए हमारा अनुरोध है कि शासन के द्वारा किया जाए ताकि हम लोग भी यहाँ पर खुशहाल रह सकते हैं। संगीत की स्वर लहरियों से सांस्कृतिक ताने बाने तक, चंबल के भीड़ों से नक्सलवादियों के गढ़ तक, झोपड़ी से महलों तक, ठेलों से मेलों तक, पगडंडियों से सड़कों तक, गांव से शहरों तक, व्यापार से उद्योगों तक, राजनीति से कूटनीति तक, दखल न्यूज आपके हक। आप देख रहे हैं दखल न्यूज़।